बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मस्जिद दारुस्सलाम, टोरंटो, कनाडा। बयान आफ्टर 25th तरावी। टुडे इज फ्राइडे 29th ऑफ नवंबर 2002। द बयान इज प्रेजेंटेड बाय हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी साहेब दामद बरकातहु। طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. محترم مضمون یہاں تک پہنچا تھا فیملی لائف کو हर तरह से निभाने की, संवारने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन अगर बेल मंडे न चढ़े तो फिर तलाक देने के तीन तरीके। अहसन हसन बिदई, इन तरीके हैं तलाक देने। अहसन के माने सबसे ज्यादा उम्दा तरीका, हसन अच्छा तरीका, बिदई गलत तरीका, तलाक देने का गलत तरीका। इसको यूं भी आप कह सकते हैं कि तलाक देने के दो तरीके हैं, तलाकुस सुन्ना और तलाकुल बिदअ, सुन्नी तलाक और बिदई तलाक। सुन्नी तलाक यानी जायज तलाक, तलाक देने का जायज तरीका, और बिदई तलाक यानी तलाक देने का नाजायज तरीका, गलत तरीका। फिर जो तलाक सुनना है उसकी फिर दो किस्में बनेंगी, अहसन और हसन, निहायत उम्दा और बेहतर। पहला तरीका जो अहसन है, सबसे उम्दा तरीका है, वो ये है कि जब औरत हैज से पाक हो, पाकी का जमाना आए तो पर, तो बीवी से उस तोहर में सोहबत किए बगैर एक तलाक रजई दी जाए, बस। ये आप हजरात के समझने का मसला नहीं है, उलमा के समझने का है। तलाक अगर उन लफ्जों से दी जाती है जो उर्फ में तलाक ही के लिए हैं, तो उसे तलाक सरीह पड़ती है, एक पड़ती है, रजई पड़ती है। जिसमें इज्जत में वापस बीवी को ले लेना चाहें तो ले सकते, पर अगर ऐसे लफ्ज से तलाक दी जाए जो तलाक के लिए नहीं मगर तलाक के लिए इस्तेमाल होता है, वो लफ्ज तलाक के लिए है नहीं मगर तलाक के लिए इस्तेमाल होता है, और उस लफ्ज में माना तलाक के लफ्ज में जितने माना है उससे ज्यादा है, जैसे तू मेरे लिए हराम है, तो हराम लफ्ज तलाक के लिए नहीं है, हराम तो हलाल हराम लफ्ज बोला जाता है, लेकिन तलाक के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और हराम में तलाक के लफ्ज से माना ज्यादा है। तलाक के क्या माने हैं? छोड़ दी, तलाक के माने छोड़ दी, और हराम में उससे ज्यादा माना है। ऐसे लफ्ज किनाई लफ्ज कहलाते हैं, ऐसा लफ्ज बोलेगा तलाक की नीयत होगी तो तलाक पड़ेगी, एक पड़ेगी बाय ना पड़ेगी। अब उसे मुंह से
कौन से या फैल से रजत नहीं कर सकता है। अब अगर उससे निकाह करना है, अगर उसको दोबारा लाना है तो इज्जत में या इज्जत के बाद निकाह करना पड़ेगा, नया निकाह। बायना का मतलब जुदा हो गई, एक तलाक बायना पड़ेगा। और नियत करेगा, ये कहे मैंने तू मेरे लिए हराम है, ये लफ्ज बोलते हुए अगर उसकी तलाक की नियत है तो तलाक पड़ेगी। और वो लफ्ज जो उर्फ में तलाक ही के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसे नियत की कोई जरूरत नहीं। ये कहना था कि मुझे पानी पिला और मुझसे निकल गया, तुझे तलाक दी, हो गई। उसके दिमाग में तो ये है, कहना तो उसे ये है कि मुझे पानी पिला, मगर मुझसे ये निकल गया कि तुझे तलाक दी, हो गई। मजाक में भी कह दिया, मजाक में कहा तो भी तलाक होगी। हदीस शरीफ में है, सलासुन जिद्दुहुन जिद्दुन व हज्लुहुन जिद्दुन। तीन मामले ऐसे हैं कि अगर वो संजीदगी है तो संजीदगी है ही, और अगर वो मजाक है तो वो भी संजीदगी। उन तीन में से एक तलाक भी है कि अगर वाकई इरादा करके संजीदगी से तलाक दी तो दी, और अगर ठक्का मजाक किया तो भी तलाक हो गई, वो भी संजीदगी। पांच सात साल पहले का एक वाकया है, आप हजरात में भी किसी ने मुमकिन सुना हो याद हो। सनीमा का एक पिक्चर बन रहा है, उसमें जो किरदार अदा कर रहे थे एक्टर और एक्टरनी इत्तिफाक से मियां बीवी थे, इत्तिफाक से मियां बीवी थे, मुसलमान थे दोनों, और वो एक पिक्चर में किरदार अदा कर रहे थे। और वो जो किस्सा था उस पिक्चर में, उसमें एक घरेलू झगड़ा था और शौहर ने बीवी को तलाक दी, ऐसा था। तो पिक्चर होता होता उसमें उसने तलाक दी उस पिक्चर में, घर में ब्याह झगड़ा हुआ और उसने उनको तलाक दी, बाद में फतवा दिया तलाक हो गई। वो उसने तो पिक्चर सीन बनवा रहा है, वो सीन बनवा रहा है, इससे सीन बनवाते बनाते बीवी की तलाक हो गई, किस्सा खत्म हो गया। हदीस शरीफ में है कि तीन चीजें ऐसी हैं कि उनकी संजीदगी तो संजीदगी है ही, उनका ठट्ठा मजाक भी संजीदगी है, लिहाजा नीयत की जरूरत नहीं है। इरादे से अल्फाज निकले, बे इरादा निकले, ठट्ठे में निकले, कैसे भी अल्फाज निकले, वो अल्फाज जो उर्फ में तलाक ही के लिए हैं, वो अल्फाज निकाले जाएंगे तो नीयत की कोई जरूरत नहीं, तलाक पड़ेगी और एक तलाक रजीनी पड़ेगी। ये कहा मैंने तुझे तलाक दी, यही लफ्ज बोले कि मैंने तुझे तलाक दी, बस इतना ही। तो एक तलाक पड़ेगी और रजी पड़ेगी। रजी का मतलब ये है कि इज्जत पूरी होने से पहले शौहर अपने मुंह से ये कह ले कि मैंने तुझे अपने निकाह में वापस लिया, वापस आ गई, तलाक खत्म। खत्म तो हो गई मगर अकाउंट में है, अकाउंट में से खत्म नहीं होगी। अब ये तलाक खत्म हो गई, ये बीवी निकाह में वापस आ गई। अब ये शौहर इस बीवी को दो ही तलाक में दे सकता है, एक तो अकाउंट में है, फिर कभी ऐसा जुमला कहा कि मैंने तुझे तलाक दी, तो अब ये दूसरी तलाक रजी पड़ी। इस तलाक के बाद भी इद्दत में ये कह ले कि मैंने तुझे निकाह में वापस ले लिया तो तलाक खत्म। लेकिन ये तलाक भी वहां अकाउंट में है। अब ये शौहर इस बीवी को एक ही तलाक दे सकता है जिंदगी में, जब एक तलाक देगा तो तीन तलाक पे हो जाएंगी, औरत हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। बहरहाल रजी ये है कि इद्दत में मुंह से कह दे कि मैंने तुझे निकाह में वापस ले लिया, वापस हो जाए। और बेहतर ये है कि ऐसा कहते वक्त दो गवाह बना दे, दो आदमियों को गवाह रख करके कह दिया जाए बीवी से कि तुझे मैंने निकाह में वापस लिया। इसी तरह से फेल से अगर इद्दत के दरमियान में शौहर ने बीवी से सोहबत कर ली, तलाक हो गई, एक तलाक हो गई वो इद्दत में, मगर वो बीवी है अभी हराम नहीं हुई उसके लिए,
रात रजी में हराम नहीं होती, लिहाजा शोहर ने इज्जत के दरमियान में उसे सोहबत कर ली, सोहबत कर ली तो ऑटोमेटिकली वो निकाह में वापस आ गई। ये फैल से रुजू करना है, फैल से अगर सोहबत कर लेगा तो खुद बखुद निकाह में वापस लौटाएगा। बहरहाल तलाक देने का पहला तरीका यह है कि एक तलाक दे, सरीह दे यानी रजी दे और फिर खत्म, बस अब औरत की इद्दत शुरू होगी। ये तलाक कब दी? हैज से जब वो पाक हुई तो तोहरा के जमाने में, उस तोहरा में उस बीवी से सोहबत किए बगैर सिर्फ एक तलाक दी, अब औरत की इद्दत शुरू होगी। एक हैज आएगा, दूसरा हैज आएगा, तीसरा हैज आएगा, और हैज जब पूरा होगा, बंद होगा, तो औरत निकाह से निकल गई। बस एक ही तलाक लेकर मामला छोड़ दिया जाए, दूसरी तीसरी तलाक इस्तेमाल ही न की जाए। ये तलाक देने का सबसे ज्यादा शानदार तरीका है। जब तक इद्दत नहीं हो वहां तो चांस है, जब चाहे वापस ले लो, और इद्दत पूरी हो गई और निकाह से निकल गई। अब भी अगर इसको वापस लाना चाहते हो तो दोबारा छुहारे तकसीम कर दो, दोबारा निकाह पढ़ लो, हाथ से कोई गया नहीं, दोबारा मामला संवारना चाहो, दोबारा निकाह करना चाहो, दोबारा निकाह कर लो। ये तलाक देने का सबसे बेहतर तरीका है कि औरत को एक तलाक दी जाए और फिर उसको इद्दत गुजारने दिया जाए। वापस जा लौटाना है तो इद्दत में वापस लौटा लिया जाए, नहीं लौटाना तो इद्दत पूरी होने के बाद खुद बखुद निकाह से निकल जाए। देखो ये पहले बताया कि जितनी मुबाह चीजें हैं, जायज चीजें हैं, उनमें से अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद तलाक है। तलाक भी मुबाह चीजों में से है मगर अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है, लिहाजा कड़वी दवा पीनी है। तो ये घूंट से काम चलता है तो कटोरा भरकर क्यों पीते हो? ये घूंट से अगर काम चल जाता है तो खामा का कटोरा भी करके उंडेलने की क्या जरूरत है? एक तलाक से तुम्हारा मसला हल हो जाता है, इद्दत गुजार करके बीवी निकाह से निकल जाएगी, तुम्हारा मसला हल हो गया। तो अब धड़ाधड़ तीन मारने के तैयार करने की जरूरत क्या है? ये कोई गुलाब जामुन तो नहीं तो फटाफट फटाफट खा रहे। बहरहाल तलाक देने का आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका ही दूसरा तरीका है हसन, यानी बेहतर, निहायत बेहतर। निहायत बेहतर तो ये तो उससे नीचे की डिग्री बेहतर, वो ये है कि औरत को जब वो हैज से पाक हो तो पाकी के जमाने में सोहबत किए बगैर उसको एक तलाक सरीह दी जाए, एक तलाक रजी दी जाए, सिर्फ एक तलाक। फिर वो ये तोहरा का जमाना पूरा गुजर जाएगा, फिर हैज आएगा। जब हैज आकर बंद हो और दूसरा तोहरा आए, उस दूसरे तोहरे में दूसरी तलाक दे, सरी रजी तलाक, एक पहले तोहरे में दी, एक दूसरे तोहरे में दी, फिर दूसरा तोहरा गुजर जाने देगा, फिर उसके बाद हैज आएगा, फिर उसके बाद तोहरा आएगा, इस तोहरे में तीसरी तलाक दे, सरी रजी। लेकिन अब रजी नहीं होती, जब तीन इकट्ठा हो गई तो किस्सा खत्म हो गई। अब ये तोहर गुजर जाएगा और उसके बाद जो हैज आएगा, उस हैज के पूरा होते ही इद्दत पूरी। ये दूसरा तरीका है बेहतर, जिसमें तीनों तलाक से इस्तेमाल की उसने मगर एक साथ नहीं इस्तेमाल की, हर तोहर में एक तलाक दी और तीसरे तोहर में तीसरी तलाक देने तक मामला उसके हाथ में है। पहली भी रजी है, दूसरी भी रजी है, चाहे कॉल से रुजू कर ले, चाहे फैल से रुजू कर ले, और उसे सोचने का भी मौका मिलता है, शोहर को भी सोचने का मौका मिलता है। इस तोहर से उस तोहर तक महीना सवा महीना होता है, तो महीना सवा महीना सोचने का मौका मिलता है, औरत को भी सोचने का मौका मिलता है। दोनों ने सोचा और दोनों की मुआफत नहीं तो अगले तोहर में दूसरी भी, अब भी महीना सवा महीना सोचने का दोनों के लिए मौका है। सोचने के बाद अब भी आपस में बात नहीं बनती तो तीसरे तोहरे में तीसरी दी, तीसरी देने के बाद किसका खत्म,
और उसके बाद फिर अब ये तीसरा है जाएगा, उसमें इज्जत पूरी हो जाएगी। तीसरा तरीका तलाक देने का बिदई, रॉन्ग, गलत तरीका, नाजायज तरीका, इसकी बहुत सी शक्लें हैं। यानी ये जो दो तरीके मैंने बताए, इसके अलावा तलाक देने के जो तरीके हैं सब रॉन्ग हैं। मसलन ऐसे तोहर में तलाक दी जिस तोहर में शोहर बीवी से सोहबत कर चुका है, ये तलाक भी दी। क्यों? शोहर तलाक सोहबत कर चुका है तो कुछ पता नहीं है औरत को हमल ठहरा है या नहीं ठहरा, अमल ठहरा है या नहीं ठहरा उसका पता चलेगा अगले पीरियड पर। अगर अगला पीरियड आ गया तो मालूम हुआ ये सोहबत से अमल नहीं ठहरा, और अगला पीरियड नहीं आया तो मालूम हुआ सोहबत से अमल हो गया। तो अब अगर ऐसे तोहर के अंदर तलाक दी जाएगी तो अगला पीरियड आने तक औरत परेशान परेशान रहेगी कि मुझे इज्जत तीन हैज गुजारनी है या बच्चा होने तक मुझे इज्जत में बैठना है, तो इसको खामखा परेशान करने से क्या फायदा। इसलिए ऐसे तोहर में, ऐसी पाकी में जिसमें सोहबत हुई है, उस तोहर में तलाक देना, ये तलाक देने का रॉन्ग तरीका है। तलाक भी दी और तलाक भी दी है मगर पड़ जाती। और आजकल तो सारे ही यही तलाक देते, वो देखता है कि मैंने इस तोहर में औरत से मुखालफत की है नहीं की है, इतना कोई भी नहीं जानता और न देखता है। जब ये चाह उठा करके धड़ दे के बंदूक मार दी तो सारी ही तलाक में गलत होती है। तलाक में सबसे पहले तो ये देखना है कि जिस पार्टी में, जिस दौर में तलाक दे रहे हैं उस दौर में बीवी से सोहबत न की गई। दूसरी वजह उलमा ए किराम ने ये लिखी है कि अगर हैज का जमाना होता है 5, 7, 8, 9, 10 दिन, इतनी मुद्दत तक जब औरत मंथली पीरियड में है तो शोहर उससे अलग रहेगा, और इतने दिन गुजरने पर शोहर का कुदरती तौर पर बीवी की तरफ मैलान होगा। फिर भी जब वो हैज से पाक हुई तो बजाय इसके कि शोहर उससे सोहबत करता उसे तलाक दे रहा है, इसका मतलब है कि इसको तलाक देने की वाकई जरूरत। और अगर पाक होने के बाद सोहबत कर ली और फिर तलाक दे रहा है, इसका मतलब एक खाना खा गया, खा लिया, पेट भर गया तो बर्तन उठा दिया, तो तलाक जरूरत से दे रहा है या बे जरूरत दे रहा है इसका पता नहीं चलेगा। और जब वो हैसे पाप हुई और सोहबत करने के बजाय तलाक दे रहा है, इसका मतलब है कि इसको तलाक देने की जरूरत है। ये वजह किताबों में लिखी और इसकी बड़ी अहमियत है, मगर आज मुसलमान इसको जानता ही नहीं। इसलिए जब भी तलाक दी जाएगी ऐसे तोहर में दी जाएगी जब वो हैज से पाक हो और उसने उससे मुखालफत न की हो, उस तोहर में तलाक देगा तो वो जायज तलाक है, सुन्नत तलाक है। तलाक देने का टाइम है पाकी। अगर कोई नापाकी में तलाक दे डाले, हैज की हालत में तलाक दे, ये तलाक का तरीका देना है, तलाक देने का तरीका रॉन्ग है, लेकिन तलाक हो जाएगी। हैज की हालत में अगर तलाक देगा तो तलाक हो जाएगी, मगर तलाक देने का ये तरीका रॉन्ग है और ये गुनहगार होगा, ऐसा शख्स गुनहगार हो। ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए? हदीस शरीफ में ऐसी सूरत में ये है कि औरत को रुजू कर लो, निकाह में वापस ले आओ। जो हालत हैज में तलाक दी है तो बीवी को रुजू करके वापस ले आओ, तो वो जो हैज में तलाक देने से गुनाह हुआ था वो गुनाह खत्म हो जाए। फिर जब वो हैज से पाक हो जाए और तोह रहा है तो तोहर में सोहबत किए बगैर अब चाहो तो तलाक दो, लेकिन ये रुजू करने का मसला उस वक्त तक है जबकि एक तलाक रजी दी हो। और अगर तीनों दे डाली है या एक बायना दे डाली है तो वापस लेने की कोई शक्ल नहीं। इस सिलसिले की वो हदीस शरीफ है जो कल मैंने थोड़ी सी बयान की थी, वो पूरा वाकया सुना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे
हजरत अब्दुल्ला का निकाह। बाप की ये जिम्मेदारी है कि बेटे का निकाह करने के बाद में उनके हालात पर नजर रखे कि दोनों का मामला कैसे बन रहा है। शुरू ही में तलाकी की जा सकती है, मामला बिगड़ने के बाद फिर कुछ नहीं किया जा सकता। जो समझदार बाप होते हैं वो इस पर निगाह रखते हैं। तो हजरत फारूक आजम ने चंद दिनों में ये महसूस किया कि ये बेटा तो बीवी का गुलाम हो गया। खुद हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि उस बीवी से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि फर्ज नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाने को जी नहीं चाहता, बस हर वक्त बीवी के पास ही रहो। फर्ज नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाने को जी नहीं चाहता था। तो ये तो लड़का कहीं का भी नहीं रहा, ना दिन का रहा ना दुनिया का रहा, कहीं का भी नहीं रहा। तो हजरत फारूक आजम ने जब ये सूरत हाल देखी तो बेटे से कहा तलाक दो इसे। जो मुझे तलाक देने को कहा था वो इस वजह से कहा तलाक दो इसे। अब उनको तो निहायत मोहब्बत है, रब्बा कह रहे हैं तलाक दो, क्या करें। उस वक्त हर मुसीबत में सहारा हुजूर की जात थी, तो ये हुजूर के पास पहुंचे ताकि हुजूर की सिफारिश करें, अब्बा से कहें कि नहीं रहने दो इसकी बीवी ठीक है। तो ये उम्मीद लेकर हुजूर के पास पहुंचे थे और ये कहा कि या रसूलल्लाह मेरी शादी हुई है, मुझे बीवी बहुत पसंद है, मुझे बहुत मोहब्बत है बीवी से, मगर अब्बा ये कहते हैं तलाक दो। हुजूर ने फरमाया अति अब्बा, अपने अब्बा का कहना मानो। अब रही सही उम्मीद भी खत्म, जहां से आसरा था वहां से भी यही जवाब मिला कि अपने बाप का कहना मानो। आगे तो कोई और उम्मीद है नहीं कि कोई बीच में दखल दे, घर आए। अब्बा ने फिर कहा कभी इस बीवी को तलाक दे दो, तो उन्होंने उसी वक्त उसे एक तलाक दे दी। तलाक देने के बाद अब्बा से कहा कि अब्बा जान आपके कहने से मैंने तलाक तो दे दिए, मगर इस वक्त बीवी हालत है। अब हजरत उमर घबराए परेशान हुए क्योंकि ये तो गुनाह है हालत हैज में तलाक देना, और ये गुनाह करवाया है हजरत उमर ने। तो भागे भागे हजरत उमर हुजूर के पास पहुंचे और हुजूर से जाकर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह अब्दुल्ला ने हिमाकत कर दी, हालत हैज में तलाक दे डाली। हुजूर सारे मामले से वाकिफ है। वो हजरत उमर भागे भागे क्यों जा रहे हैं, इनकी वजह से तो हुई। और मसला हजरत अब्दुल्ला जानते हैं कि हालत है इसमें तलाक देना गुनाह है नाजायज है, फिर अब्बा के कहने से क्यों दे दी। अगर इनकार करेंगे और अब्बा से कहेंगे कि अब्बा अभी तलाक देने का वक्त नहीं है, घर में ये सूरत हाल है, तो बाप कहेगा नालायक बहाने बनाता है, क्योंकि अब्बा इस सूरत हाल को कैसे जांचेंगे। वो तो ये समझेंगे कि नालायक को तलाक नहीं देनी, देखो कैसे बहाने बनाते। इसलिए हुक्म की फौरन तामील की और तलाक दे दी और फिर कहा कि अब्बा इस वक्त में बीवी इस हाल में, अब तो मानना ही। तो हजरत उमर भागे भागे हुजूर के पास पहुंचे और कहा या रसूलल्लाह अब्दुल्ला ने हिमाकत कर दी, हालत हैज में तलाक दे। हुजूर ने फरमाया कि अब्दुल्ला से ये कहो कि बीवी को निकाह में वापस ले, मुझसे ये कह दे कि मैंने तुझे अपने निकाह में वापस लिया, फिर ये हैज गुजरने दे, उसके बाद जो तोहरा है वो पूरा तोहरा गुजरने दे, फिर जब वो तोहरा गुजर जाए फिर उसके बाद जो हैज आए उस हैज को गुजरने दे, फिर उसके बाद जो तोहरा है उस तोहरा में अगर अब्दुल्ला चाहे तो बीवी से सोहबत किए बगैर तलाक दे। चुनांचे वो आए, बेटे से कहा, बेटे ने बीवी को निकाह में वापस लिया, हैज गुजर गया। हैज के बाद में आगे 15-20 रोज पाकी का जमाना है, इस पाकी के जमाने में तो हुजूर ने तलाक देने मना किया था, अगली पाकी में तलाक देंगे, तो इस पाकी में तो मियां बीवी साथ रहेंगे। तो वो जो 15-20 दिन तक मियां बीवी के मामला हजरत उमर ने देखे तो जिस मकसद से तलाक दिलवाई जा रही थी वो मकसद हल हो गया,
और अब वो जो सूरत हाल थी इंतहाई मोहब्बत वाली और हर वक्त बीवी की गोद में, वो मामला ठीक हो गया। ऐसा होता है कि जब एक मुखालिफ चीज उसके ऊपर एकदम आए और उसका रद्द अमल होता है तो एतदाल पैदा हो जाता है। तो इंतहाई मोहब्बत और बाने का तलाक दो खट से दी, ये जो मामला उसका मुकाबिल एकदम आया, दूसरे तबीयत में एतदाल पैदा हो गया और अगले पूरे तोहरे में हजरत उमर नजर रखते रहे कि नहीं अब मामला ठीक है, जो सूरत हाल पहले थी वो नहीं। चुनांचे ये पूरा तोहरा गुजर गया, मियां भी साथ रहे। फिर उसके बाद में हैज आया, जब हैज खत्म हुआ तो हजरत उमर ने खुद मना कर दिया हजरत अब्दुल्ला को कि अब तलाक देने की जरूरत नहीं है, चुनांचे तलाक नहीं दी और फिर वो बीवी हजरत इब्ने उमर के निकाह में आखिर तक रही। बाप की तरबियत का एक और किस्सा जहन में आया, हदीस शरीफ है भी, एक बहुत बड़े दाना जीरक सहाबी हैं हजरत अम्र इब्ने अल-आस जो मिस्र के फाते हैं, उनके लड़के का नाम भी अब्दुल्ला है। वो बहुत ज्यादा इबादतें करते, वक्त आया जवान हो गए, अब्बा ने उनकी भी शादी कर दी। शादी के एक महीने के बाद हजरत अम्र इब्न अल-आस ने अपनी बहू से पूछा कैफ वजदती अब्दुल्ला, अब्दुल्ला को तुमने कैसा पाया? तो बीवी ने कहा सवाम रजुलुन सालिहुन सवामुन कवामुन, और ये कहते हुए उसकी निगाह शर्म से झुक गई। ये जुमले का मफहूम है कि बड़े नेक आदमी जिनको रोजे रखते हैं, रात को नमाजें पढ़ते, नफले पढ़ते हैं। उसने कहा रजुलुन सालिहुन सवामुन कवामुन, ये जुमला कवामुन कहते हुए रात भर नमाजें पढ़ते हैं ये कहते हुए उसकी निगाह शर्म से झुक गई बहू की। तो बहुत समझदार थी, फौरन हुजूर के पास पहुंचे और हुजूर से जाकर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैंने अब्दुल्ला की शादी कर दी है, आज एक महीना हुआ, मैंने उसकी बीवी से पूछा तो उसकी बीवी ने अब्दुल्ला की शिकायत की। और उसने बीवी ने ये जुमला इस्तेमाल किया, हुजूर ने फरमाया खैर तुम जाओ मैं देखूंगा किसी वक्त। उसी दिन या उसके बाद किसी दिन एक दिन हुजूर बगैर इत्तला के अचानक तशरीफ ले गए अकेले, और हजरत अम्र इब्न अल-आस का दरवाजा खटखटाने के बजाय हजरत अब्दुल्ला का दरवाजा नॉक किया। हजरत अब्दुल्ला अंदर से निकले, दरवाजे पर हुजूर खड़े, छटपटा गए एकदम, हुजूर बगैर इत्तला के अचानक आ गए। बहरहाल हुजूर को अंदर ले गए, बैठने के लिए तकिया पेश किया। अरबों में तकिए पर बैठने का रिवाज पहले भी था और अब तक है, जैसे हमारे यहाँ तकिया पीछे लगाते हैं उनके तकिया बैठने के लिए तकिया होता है, तो हुजूर को तकिया पेश किया बैठने के लिए। हुजूर ने तकिया पर नहीं तशरीफ फरमाए, एक तरफ नीचे बैठ गए और तकिया बीच में रहा और दूसरी तरफ अब्दुल्लाह से कहा तुम बैठो। अब दोनों बैठे, हुजूर ने फरमाया कि तुम अपनी इबादतें मेरे सामने पेश करो, तुम क्या इबादतें करते? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं रोजाना रात में एक कुरान खत्म करता हूं। आपको बड़ी ताजुब हुआ इसमें एक कुरान खत्म करने। एक और किस्सा सुनाऊं बीच में, आपके दारुल देवबंद के बानी हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब कुद्दसा सिर्रहु का किस्सा है। वहां एक मस्जिद है, मस्जिद छत्ता कहलाती, छोटी सी मस्जिद, उसी के एक कमरे में हजरत रहते थे। तो हजरत का मामूल ये था कि जब ईशा की नमाज पढ़ के सब लोग चले जाते थे तो मस्जिद का किवाड़ अंदर से बंद कर देते, और हजरत अकेले मस्जिद में रहते थे और फजर की अजान खुद देते थे और उसके बाद किवाड़ खोलते। रात भर मस्जिद में उस हुजरे में हजरत अकेले रहते थे, क्या करते थे किसी को कुछ पता नहीं। वहीं करीब में महल्ला दीवान है, शोरफा का एक महल्ला है शेखजादों का। उन शेखजादों में से एक बड़ी उम्र के यानी अधेड़ उम्र के नहीं 30-35 साल के, वो हजरत के खादिम थे। एक दिन उनके दिमाग में ये सौदा सवार हुआ कि हजरत आपके लिए क्या इबादतें करते हैं मस्जिद में देखना है।
तो वो ईशा की नमाज पढ़ करके वहां चटाइयां होती हैं ऐसी अजीब गरीब किस्म की, आप उसे समझ भी नहीं सकते हैं, चार पैसे की वो एक कोने में खड़ी रखते हैं, उन चटाइयों के पीछे घुस कर बैठ गए। सब नमाज पढ़ के सब नमाजी चले गए तो हजरत ने देखा कि मस्जिद में कोई नहीं है, तो जाकर मस्जिद का दरवाजा अंदर से बंद किया और तशरीफ ला करके नियत बांध ली और जहरन कुरान करीम शुरू से अलिफ लाम मीम दालिकल किताबों से पढ़ना शुरू। तो इन्होंने सोचा कि तो बड़ा अच्छा मौका है, हजरत की विषय नफले पढ़ने का, वजू तो थी, वो भी आकर खड़े हो गए। हजरत पढ़ते गए, एक पारा पढ़ा, दो पारा पढ़े, तीन पारे पढ़े, चार पढ़े, अभी इनकी टांगे जवाब दे रही। दूसरे तंगे ये पारा पूरा होगा तो हजरत रुकू करेंगे, हजरत अगला पारा शुरू कर, अगला पारा पूरा हो वो बड़ी उम्मीद है तो अगला पूरा। बहरहाल हजरत पढ़ते रहे, पहली रकात में 70वां पारा जब हजरत ने शुरू किया, इक्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, नमाज पढ़ने कर पाती। पर हजरत तो अंदर पढ़ते ही नहीं, मालूम नहीं कहां तक, पहली रकात में कितना पढ़ा ये ही नहीं मालूम। बहुत अल्लाह के बंदे हैं जो दो रकात में पूरा कुरान करीम पढ़ते हैं, एक रात में पूरा कुरान करीम पढ़ते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला ने यह फरमाया कि मैं रोजाना एक कुरान करीम पढ़ता हूं। हुजूर ने फरमाया नहीं, एक महीने में कुरान करीम पढ़ो। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह ये तो बहुत कम है, मुझे वो कुछ और वक्त थोड़ा मुझे कम करे मेरे लिए। तो हुजूर ने कुछ कम किया, 25 दिन किए, फिर उन्होंने इसरार किया, 20 दिन किए, वो इसरार करते रहे, हुजूर कम करते रहे, वो इसरार करते रहे, हुजूर कम करते रहे, यहां तक कि 3 दिन पर लाए कि 3 दिन में कुरान करीम खत्म करो। इससे नीचे भी उन्होंने इसरार किया, हुजूर ने इजाजत नहीं दी, 3 दिन से नीचे नहीं, 3 दिन में कुरान खत्म करो। ये जो 3 दिन की मंजिलें बनती हैं उनका नाम है मंजिल फील। फील अरबी में कहते हैं हाथी को। सूरह फील है ना, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। तो ये जो 3 दिन की मंजिल बनती है उस मंजिल का नाम है मंजिल फील। पहली मंजिल सूरह फातिहा से शुरू होगी, फातिहा का पहला हर्फ है फा, इसे ले लो, ये मंजिल खत्म होगी सूरह तौबा पर। दूसरी मंजिल यूनुस से शुरू होगी, 11वें पारे के एक पाव पर सूरह यूनुस है, तो यूनुस की या ले लो, फा के साथ या लगाओ। और तीसरी मंजिल शुरू होगी सूरह लुकमान से, 21वें पारे में, उसमें से लुकमान में से लाम लेकर लगाओ, ये फील हुआ, ये मंजिल फील कहलाती है। 3 दिन में कुरान करीम खत्म किया जाए, पहले दिन फातिहा से लेकर तौबा तक, दूसरे दिन यूनुस से लेकर शुआरा तक, उसके बाद लुकमान से लेकर के आखिर तक। और ये जो कुरान करीम में लिखी हुई है 7 मंजिलें, यानी हफ्ते में कुरान करीम पूरा किया जाए, ये मंजिलें कहलाती हैं फमी बेशौकिन। फा फातिहा, मीम माइदा, या यूनुस, बा बनी इसराइल, शीन शोरा, वाव वस्साफात और काफ सूरे काफ, यह है फमी फे मीम या बेशौकिन, बा बड़ी शीन, वाव और बड़ा काफ, ये फमी बेशौकिन की मंजिलें कहलाती हैं, 7 मंजिलें जो कुरान करीम में लिखी हुई हैं हफ्ते में एक कुरान पूरा करने। बहरहाल हुजूर ने कुरान में तो ये कहा, उसके बाद हुजूर ने फरमाया रोजे कितने रखते हो, तो उन्होंने कहा मैं हमेशा रोजे रखता हूं, हमेशा बार रोजा रखता हूं। हुजूर ने फरमाया नहीं, महीने में 3 रोजे रखो। उन्होंने कहा रसूलल्लाह ये तो बहुत कम है, तो हुजूर ने थोड़ी ज्यादा इजाजत दी। उन्होंने फिर इसरार किया, फिर और ज्यादा की इजाजत दी। यूं होते होते 100वें दाऊद ही पर हुजूर लाए। 100वें दाऊद ये है कि एक दिन रोजा रखो, एक दिन छोड़ो, फिर अगले दिन रोजा रखो, फिर अगले दिन छोड़ो, फिर अगले दिन रोजा रखो, फिर अगले दिन छोड़ो, यानी महीने में 15 रोजे और 15 बगैर रोजे। मगर यूं नहीं कि शुरू के 15 दिन रोजे रख लिए, आखिरी 15 दिन रोजे नहीं रखे, ये 100वें दाऊद नहीं,
तो हमें दाऊद ये कि एक रोजा रखो फिर अगला दिन छोड़ो, फिर अगला रोजा रखो फिर अगला दिन छोड़ो, हुजूर यहां तक लाए और फरमाया कि ये रोजा सबसे अफजल रोजा है। वो बीवी ने यही तो कहा था, सवम दिन को रोजे रखते हैं, जब दिन को रोजा रखेगा तो बीवी से कहां मिलेगा, और रात भर ये कुरान खत्म करना है तो रात भर नफले पड़ेगा तो ही तो कुरान खत्म होगा, तो रात को भी नहीं मिलेगा। और बीवी बेचारी बैठी बैठी इंतजार करती रही। वो एक मौलाना साहब थे तालिब इल्म से, उनका निकाह हो गया। एक और नया किस्सा निकला है, ये तालिब इल्म थे उनका निकाह हो गया, इत्तेफाक से इम्तिहान 15 दिन के बाद आना था। और पहले तो तालिब इल्म खूब पढ़ते थे, अब तो तालिब इल्म पढ़े रहते हैं, पहले तो खूब पढ़ते थे। तो मंतिक की एक किताब है वेरी हार्ड, उसका नाम है कुतुबी, और ये मंतिक की सख्त किताब है और तालिब इल्मों के काबू में नहीं आती, उनको बहुत शर्म मानना पड़ता है। तो बहरा घर वालों ने निकाह रख दिया, निकाह हो गया, बीवी घर आ गई। अब ये तहरीर आपको पहुंचे, कुतुबी लेकर बीवी रात बीवी के पास पहुंचे, जाकर के मुताला शुरू किया, मुताला करते रहे करते रहे। बीवी बेचारी इंतजार करती करती पता नहीं कब सो गई, इतना रात पर मुताला करते। खैर सुबह निकल गए, दूसरी रात को भी यही किताब लेकर पहुंचे और मुताला कर रहे हैं, वो बेचारी इंतजार करके पता नहीं कब तक इंतजार किया, फिर सो गई और ये मुताला अपने करते रहे। सुबह निकल गए, तीसरी रात को फिर ये किताब लेकर पहुंचे, तो आधी रात तक तो बीवी इंतजार करती लड़की, फिर आधी रात के बाद 2-3 दिन में शर्म वैसे ही कम हो जाती। तो वो उठकर आई और उसने कहा कि मौलाना साहब ये क्या चीज है, इसके पीछे तुम 3 दिन से पड़े हो। उसने पूछा कि क्या चीज है जिसके पीछे तुम 3 दिन से पड़े हो। कहने लगे ये कुतुबी शरीफ है। उसने कहा कुतिया ही पाली थी तो मुझे क्यों आए थे। अब ये कुरान खत्म करेगा तो रात पर नफले पड़ेगा, दिन भर रोजा रखेगा। एक दो शिकायतें की थी उसने, कहा रजुलुन सालिहुन सवामुन कवामुन, तो हुजूर ने दोनों मामले हल किए, रात में 3 रात में कुरान खत्म इससे नहीं, और रोजा एक दिन रोजा नहीं। और फिर हुजूर ने फरमाया कि देखो तुम्हारे परवरदिगार का भी तुम पर हक है, बंदे पर अल्लाह का भी हक है, और तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक, और तुम्हारे घर में बीवी आई है दुल्हन उसका भी तुम पर हक। ये कहकर हुजूर तशरीफ ले गए, इतना इशारा काफी मामले को संभालने के लिए। वो कोई बेवकूफ नहीं था, बड़े धीरज थे साहब, इतना ये कहना कि तुम्हारी बीवी का भी तुम पर कोई हक है, ये बात में सब कुछ आ गया। तो बहरहाल बाप की तरबियत में ये बात दाखिल है कि अगर मामला यूं बिगड़ रहा है तो भी कंट्रोल करे, और मामला यूं बिगड़ रहा है तो भी कंट्रोल करे। हजरत अमर इब्न अल-आस ने यूं मामला बिगड़ रहा था कंट्रोल किया, और हजरत उमर ने मामला यूं बिगड़ रहा तो उस पर कंट्रोल किया। ये हदीस शरीफ है जिसमें साफ ये बात है, क्लियर कि हालत हैज में जो तलाक दी जाएगी बावजूद इसके कि वो गुनहगार होगा, बिदई है, तलाक देना नाजायज है, मगर वो तलाक पड़ जाएगी। तलाक पड़ जाएगी तभी तो हुजूर ने कहा कि अब्दुल्लाह से कहो कि रुजू करे, तो रुजू तो तलाक पड़ेगी जब भी तो रुजू होगा, बगैर तलाक पड़े रुजू कैसे होगा। बहरहाल ऐसे तोहरे में तलाक देना जिस तोहरे में सोहबत की गई है ये भी तलाक भी दी, हालत हैज में तलाक देना ये भी तलाक भी दी, एक तोहर में 2 या 3 तलाक देना ये भी तलाक भी दी, एक आज दे दी दूसरी 5-7 रोज के बाद दे दी तीसरी 5-7 रोज के बाद दे दी, एक ही पार्टी में 2 तलाकें दे दी या 3 तलाकें दी, तलाक भी दी मगर तीनों पड़ेंगी, एक ही मजलिस में 2 या 3 तलाकें दे दी तलाक भी दी लेकिन जितनी दी है उतनी पड़ेंगी, एक मजलिस में नहीं एक ही बोल में एक ही कले में ये बात हुई है 3 तलाक है तो 3 लफ्ज 3 में तीनों दे, तो अगर एक ही कले में मैं दे देगा 2 या 3 तलाक देगा ये तलाक देने का तरीका भी नाजायज है मगर ये भी सब पड़ेगा।
ये एक तोहर में दो या तीन तलाके जमा करना, एक मजलिस में दो या तीन तलाके देना, एक जुमले में तीनों तलाके एक साथ देना, ये तलाके बिदई है इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा के नजदीक, हजरत इमाम शाफई अलैहि रहमा के नजदीक ये बिदई नहीं है, उनके ये तलाक सुनना है, यानी ऐसा तलाक देने में कोई गुनाह नहीं है। हजरत इमाम शाफई अलैहि रहमा के अदब के एतबार से बिदई नहीं होती, इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा के नजदीक अदब के एतबार से बिदई होती है, वो बिदई की ये शक्लें, मगर जितनी तलाक बिदई की शक्लें हैं सब में तलाक पड़ जाएगी गुनहगार। ये तलाक देने के तीन तरीके थे, वो तरीका हसन, एक तलाक देकर छोड़ दिया, दूसरा हसन कि तीन तोहरों में तीन तलाकें दी, तीसरा बिदई, ये सब शक्लें जो तलाक देने की ये सब बिदई शक्लें। आजकल सारे ही मुसलमान जैसे तलाक देने में इसका ख्याल नहीं रखते कि इस तोहर में बीवी से सोहबत की है उसने या नहीं, इसका ख्याल नहीं रखते, ऐसे इस बिदई का भी ख्याल नहीं रखते, बस धड़ाधड़ सारी ही दे डाले। ये मसला कि तोहर में तलाक देनी चाहिए, हैज में तलाक देना जो है ये नाजायज है, गुनाह है, वो इस आयत करीमा में था जो मैंने कल पढ़ी थी, या अय्युहन्नबीयु इज़ा तल्लक्तुमुन निसा फतल्लिकूहुन्न लिइद्दतिहिन्न, ऐ पैगंबर जब आप हजरात ये औरतों को तलाक दें, देखो गौर करो, या अय्युहन्नबी हुजूर से खिताब किया जाए और फिर आगे इज़ा तल्लक्तुम या जमा का सीगा आ रहा है, हुजूर तो एक है, ये तल्लक तुम जमा कैसे आया, या तल्लक तुमसे उम्मत के अपराध मुराद है, जब उम्मत के अपराध मुराद है तो हुजूर से या अय्युहन नबीयो क्यों खिताब आया। बड़ा अहम नुक्ता है कि अगर उम्मत से खिताब आ जाए या अय्युहल्लज़ीन आमनू कैसे, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा तल्लक्तुमुन्निसा, और अगर हुजूर से खिताब है तो इज़ा तल्लक्तुम के बजाय इज़ा तल्लक्ता आएगा। उसकी वजह यह है कि हुजूर का जिक्र इसलिए किया गया है कि कहीं मोमिनीन तलाक देने में हर्ज न समझे, इसलिए हुजूर का नाम पहले लाए कि हुजूर को भी इसका मुखातब बनाया जा सकता है और हुजूर को मुखातब किसी नाजायज चीज का नहीं बनाया जा सकता। इसे समझ लो अच्छी तरह, एक मिसाल नजीर लाऊं उससे आप समझें, जिहाद होता है उसमें माल गनीमत आता है, उसमें से पांचवा हिस्सा खुम्स हुकूमत वसूल करती है और चार हिस्से ये फौज में तकसीम होते हैं। ये जो पांचवा हिस्सा खुम्स हुकूमत तकसीम करती है ये किस एक इसका हक एक इनको दिया जाए, दसवें पारे की पहली आयत, वअलमु अन्नमा गनीमतुम मिन शैइन فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ये फरमाया कि जान लो तुमने जो गनीमतें हासिल की हैं उनका पांचवा हिस्सा अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है, रसूल के रिश्तेदारों के लिए है, यतीमों के लिए है, मिस्कीनों के लिए है, मुसाफिरों के लिए। वहां ये सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह की सारी कायनात है, सारी कायनात ही अल्लाह की, और ये पांचवा हिस्सा अल्लाह के लिए है, अल्लाह का क्या मतलब। वहां मुफस्सिरीन किराम ने ये जवाब दिया है कि पूरे जो ग्रुप है पांच का, अल्लाह के रसूल, रसूल के रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन और मुसाफिर, ये जो पांच का ग्रुप है इस ग्रुप की खुश दिली के लिए अल्लाह ने अपने आप को उस ग्रुप में शामिल किया। खुश दिली की क्या जरूरत है, देखो जो खुददार आदमी होते हैं वो अपने बाजू की कमाई से खाते हैं, दूसरों के टुकड़े पर जीना नहीं चाहते, भूखा रहना उन्हें गवारा होता है मगर दूसरे से लुकमा लेना सही नहीं, खुददार आदमी। एक हदीस शरीफ और सुनाओ, हुजूर ने फरमाया इन अत्यबमा अकलतुम मिन कस्बिकुम व इन औलादकुम मिन कस्बिकुम,
उसी ने फरमाया कि आदमी जो सबसे सुथरी चीज खाता है वो अपनी कमाई से खाता है, अपनी कमाई से जो खाता है वो सबसे सुथरी चीज है। और फरमाया कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी कमाई में से, ये क्या इरशाद है? पहला तो वाज़ेह है कि बेहतरीन जो खाता है आदमी वो अपनी कमाई में से खाता है, ये बात तो साफ है। और ये जो दूसरा जुमला है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी कमाई है, इस दूसरे टुकड़े में उन लोगों को जहन साफ किया गया है, बाल बाप होते हैं कि वो औलाद से भी खर्चा लेने के लिए तैयार नहीं है, इसको भी वो दूसरों के टुकड़ों पर पलना समझते हैं, बुरे हो जाएंगे, आंखें काम नहीं करेंगे, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे। क्यों? औलाद से कुछ न लेना पड़े, औलाद से खर्चा न लेना पड़े। ऐसे खुददार होते उनकी इसलाह है कि औलाद से लेना ये पराए टुकड़ों पर पड़ना नहीं है, ये औलाद तो तुम्हारी कमाई है। और जब औलाद तुम्हारी कमाई है तो औलाद ने जो कमाया है उसकी कमाई भी हमारी कमाई है, लिहाजा औलाद से खर्चा लेना ये खुददारी के खिलाफ नहीं। तो जैसा वहां उस मसले को हल किया है, इसी तरह से यहां अल्लाह के नबी से बड़ा कोई दुनिया में खुददार नहीं हो सकता। तो ये अंदेशा था कि शायद अल्लाह के रसूल इस गनीमत के पांचवें में से न लें, जैसे ज़कात, ज़कात, ज़कात सदका हुजूर और हुजूर के खानदान के लिए नहीं, इसी तरह से ज़कात और सदका हुजूर और हुजूर के खानदान के लिए नहीं है। तो ये एहतमाल था कि शायद हुजूर ये गनीमत के पांचवें में से भी न लें, तो हुजूर ने उस ग्रुप में अपने, अल्लाह ने उस ग्रुप में अपने आप को शामिल किया, तो उस पांचवें में हमारा भी है। तो अब मालूम हुआ कि इस खुम समय से लेना ये कोई खुददारी के खिलाफ नहीं है, अल्लाह पाक के लिए भी है, ये उसकी हिकमत है। फैन्ना खुमुसहु लिल्लाह है, अल्लाह के लिए पांचवा है और रसूल के लिए है, रसूल के रिश्तेदारों के। यही नुक्ता यहां है कि खिताब नबी से शुरू किया और ये कहा कि या अय्युह नबीयो, ऐ पैगंबर जब आप लोग औरतों को तलाक दो नापसंद है तो भला मोमिन अल्लाह को जो चीज मकबूल है उसे कैसे इख्तियार करेगा? इसलिए हुजूर का खिताब, खिताब में हुजूर को लाया गया कि नहीं एक मकबूल है मगर जरूरत के वक्त में अल्लाह का नबी भी इस चीज को इख्तियार कर सकता है। तो जब अल्लाह का नबी भी इख्तियार कर सकता है तो मोमिन के लिए क्या दुश्वारी है? बहरहाल ये एक बात पूछ रहे हैं तो क्या ये साहिब ये समझते हैं कि मैं इस सूरत हाल से बेवकूफ हूं, गाफिल हूं, ये जो बीच में लुकमा देकर के मजमून खराब करते, मैं समझता हूं उसका तस्करा मैं नहीं लाऊंगा। ये लोग समझते हैं कि हम ही जानते हैं, दूसरा तो कोई जानता ही नहीं। हर चीज अपने वक्त पर अपने मौके पर आती है, हर मजमून जो जरूरी होता है अपने वक्त पर आता है। सुबह सारा मजमून खप्त कर दिया, पता नहीं कहा। तो इस आयत करीमा में जो फरमाया कि आई पैगंबर जब आप हजरात औरतों को तलाक दें तो ले इज्जत ही हिन्ना, जो उनका इज्जत का वक्त है उसमें। यहां आकर के एक बड़ा मसला भी निहायत सख्त मसला अइम्मा में इख्तिलाफी हो गई इज्जत के बारे में। कुरान में सूरह बकरा में दूसरी आयत है वल मुतल्लकात यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना सलासत कुरू, जिन औरतों को तलाक दे दी गई है वो अपने आप को इंतजार में रखें, यानी दूसरी दूसरा निकाह न करें, अपने आप को इंतजार में रखें तीन कुरू। कुरू क्या चीज? इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद रहमहुल्लाह की राय है कि कुरू हैज है, तीन हैज अपने आप को इंतजार में रखें। अगर औरत बूढ़ी है, हैज बन है या अभी बालिग नहीं हुई, हैज नहीं आया, उसके अहकाम अलग है। औरत हमल से है, उसके अहकाम अलग है। इनके अलावा जो औरत रह गई तो तीन कुरू अपने आप को इंतजार में रखे, यानी तीन हैज, कुरू के माने तीन हैज। हजरत इमाम शाफई अलैहि रहमा फरमाते हैं कि नहीं, तीन कुरू यानी तीन तोहर इंतजार में रखे। उनके इमाम शाफई अलैहि रहमा के यहां इज्जत तीन तोहर है। तोहर में तलाक देगा, ये तोहर है,
नहीं गिनेंगे, ये दोहरा नहीं गिना क्यों, कुछ तोहरे तो गुजर गया, ये तोहरा नहीं गिनेंगे। फिर हैज आएगा, उसके बाद एक तोहरा, फिर दूसरा तोहरा, फिर तीसरा तोहरा पूरा होगा, तब इज्जत पूरी होगी। और इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा क्या कुरू के माने हैज है, ये सब इख्तिलाफ हुआ है इन दो आयतों को मिलाने से। ये आयत कहती है फतल्लिकूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, उनके इद्दत के वक्त में तलाक दो, और दूसरी तरफ ये मुतायन है कि तलाक हैज में नहीं दे सकते हैं, तो रही में तलाक देनी जरूरी है। तो मालूम है कि इद्दत का वक्त ये तोहर है। हजरत इमाम शाफी अलैहि रहमा ने यूं मसला तय किया, इस आयत से मालूम हुआ कि तलाक तो इज्जत के वक्त में, और ये बात ऑलरेडी तय है कि इज्जत का वक्त जो है, तलाक का वक्त जो है वो तोहर है, हैज में तलाक नहीं दे सकते, लिहाजा तलाक तोहर में देनी। और कुरान कहता है कि इज्जत के वक्त में तो मालूम हुआ ये तोहर ही इज्जत का वक्त है, इसलिए उन्होंने कुरू के माने तोहर के किए। इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा ने फरमाया इज्जतें दो हैं, एक मर्दों की इज्जत है, एक औरतों की इज्जत। मर्दों की जो इज्जत है उसका नाम है इज्जत तकलीफ, तलाक देने का मुकर्रा टाइम, और ये है इज्जत निसा, औरतों की इज्जत यानी अगला दूसरा निकाह करने के लिए मुकर्रा टाइम। ये दो इज्जतें अलग अलग, सलासता कुरू में कुरू से हैज मुराद है, और ये इद्दत निसा है कि तलाक के बाद औरत दूसरी जगह निकाह करना चाहे तो उसके लिए मुकर्रा टाइम तीन हैज हैं, जब वो गुजर जाएंगे तब दूसरी जगह निकाह करेगी। और इस आयत में जो इज्जत है ये इज्जत रिजाल है और इज्जत तस्लीक है, तलाक देने का मुकर्रा टाइम है और तलाक देने का मुकर्रा टाइम तो है। जैसे वो आयत अलग है, ये आयत अलग है, दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ना नहीं। ये इज्जत हिन्ना से मुराद है तो दलील हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है जो तिर्मिजी शरीफ में रिवायत है। हुजूर ने फरमाया तलाकुल अमत तत्लीकतान व इज्जतुहा हैबतान, पहले बांदी थी, बांदी के आहकाम आजाद से हाफ होते, लिहाजा अगर बीवी बांदी है तो हुजूर ने फरमाया उसको दो तलाक दी जाएंगे, तीन नहीं दी जा सकती। जैसे आजाद तीन में मुगल्लजा हो जाती है, बांदी बीवी है तो दो तलाक देने से हराम हो जाएगी। और उसकी इज्जत दो हैज है, हुजूर ने फरमाया इज्जत वो है बसान, यानी आजाद का इज्जत तीन है और इसके दो है, डेढ़ नहीं हो। तो जब बांदी की इज्जत में हुजूर ने खुद फरमाया है कि बांदी की इज्जत दो हैज है तो आजाद की इज्जत तीन हैज है, वहां तोहर कहां से आ गया। लिहाजा इस हदीस से मालूम है कि कुरू के माने हैज के हैं, इसलिए इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा ने इस हदीस को और इस आयत को मिलाकर के कुरू के माने हैज के किए, उसका हुक्म अलग कर दिया, और इस आयत पाक को अलग किया कि इसमें जो इज्जत है वो अलग इज्जत, उसकी तो कुरू के माने है, वो तो तिर्मिजी की उस हदीस से मुतायन हुआ कि बांदी की इज्जत तलाक दो तलाक है, बांदी की इज्जत दो है उससे। और ये जो ले इज्जत हिन्ना में मर्दों की इज्जत है और तलाक देने का मुकर्रा टाइम मुराद है, मर्दों की इज्जत आई कोई सोचता भी मर्द का ही इज्जत गुजारता है, मर्द को भी इज्जत गुजारनी पड़ती। बताओ एक आदमी के निकाह में एक औरत उसे तलाक दे दी और वो बीवी इज्जत में बैठी है, जब तक इसकी इज्जत न गुजर जाए ये शौहर इस बीवी के बहन से निकाह नहीं कर सकता, इस मर्द को भी इज्जत में बैठना पड़ेगा, अंडे देने पड़ेंगे, इसकी इज्जत पूरी हो वहां तक तुम भी अंडे दो, फिर जब इसकी इज्जत पूरी होगी तब तुम्हारी इज्जत पूरी होगी, और इस बीवी के बहन से निकाह हो सकता है, इसके बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि इज्जत में बीवी फिर जुमला निकाह में होती है। अब उसकी बहन से निकाह करेगा तो दो बहनों का जमा करना लाजिम आएगा जो कुरान में मना। इसी तरह एक के निकाह में चार बीवियां, उसने एक बीवी को तलाक दे दी वो इज्जत में, अब ये अगली करना चाहता है तो जब तक इसकी इज्जत पूरी नहीं होगी इसको भी इज्जत गुजारनी, मर्द को भी इज्जत गुजारनी, जब इसकी इज्जत पूरी होगी तब ये चौथी से निकाह कर सकता है,
जब तक ये इज्जत में है, अगर चौथी से निकाह करेगा तो निकाह में पांच होंगे। बहरहाल कई मसले हैं जिसमें मर्दों को भी अंडे देने बैठना पड़ता है, और यहां तो इज्जतुल रिजाल, नब्बे इज्जत के माने मुकर्रर टाइम, तो इज्जतुल रिजाल यानी मर्दों के लिए मुकर्रर टाइम, यानी मर्दों को तलाक देने के लिए मुकर्रर टाइम है, कब उन्हें तलाक देनी, इसकी दलील वही हदीस शरीफ है हजरत इब्न उमर की, वो पूरा वाक्य मैंने सुना है। ये जो वाक्य बुखारी शरीफ में, बुखारी शरीफ में हजरत इब्न उमर वो पूरा वाक्य बयान करके फिर क्या फरमाते हैं, आखिरी टुकड़ा फिर जहन में लाओ। हुजूर ने कहा कि अब्दुल्ला से कहो कि बीवी को निकाह में वापस ले, हालत है इसमें तलाक जी से रुझू कर, फिर ये है जाने दे, फिर इसके बाद जो तोहरा है उसको भी जाने दे, फिर उसके बाद जो हैज आए उसे भी जाने दे, उसके बाद जो तोहरा आए उस तोहरा में अगर अब्दुल्ला चाहे तो उस तोहरा में बीवी से सोहबत किए बगैर तलाक दे। यहां तक मजमून पहुंचकर फिर हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं फतिल कल इद्दतुल लती उमेरा लितत्लियत हिन्ना, ये बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज हैं। हजरत इब्न उमर ने फरमाया कि ये वो मुकर्रर टाइम है जिसमें तलाक देने का कुरान में हुक्म दिया गया है। कुरान ने जो कहा है कि या अय्युह नबी इज़ा तल्लक्तुमुन निसा फतल्लिकूहुन लिद्दतिहिन, वो जो इद्दत हिन्ना है वो ये इद्दत हिन्ना है कि जिस तोहर में तलाक देनी उसमें सोहबत किए बगैर तोहर में तलाक दे, ये तलाक देने का मुकर्रर टाइम। इसलिए इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा ने इस आयत के साथ ये हदीस जोड़ी है और उस आयत के साथ वो हदीस जोड़ी है, दो आयतों को अलग अलग किया, और हजरत इमाम शाफी अलैहि रहमा ने एक आयत की दूसरी आयत से तफसीर की है और उन्होंने कुरू के माने तोहर के किए। ये सारी बात मैं इसलिए नहीं बयान कर रहा हूं कि आप हजरात समझें, इसलिए नहीं बयान कर रहा है। ये सारी बात जो है इतनी बहस के ये इमाम अबू हनीफा ने यूं किया, इमाम शाफी ने यूं किया, ये सारी बात इसलिए नहीं बयान कर रहा कि आप समझें, बल्कि इसलिए बयान कर रहा हूं कि आप ये समझें कि ये काम हमारे बस का नहीं है, मुश्तहिद बनना हमारे बस का नहीं, इसे समझें आप, इसलिए ये समझा रहा हूं। ये सब धंधे हमारे बस के नहीं है, ये तो उन्होंने पूरी जिंदगियां उसके पीछे लगाई थी, पूरा कुरान, तमाम हदीसें, तमाम सहाबा ताबीन के इरशादात सारी उनके सामने ओपन थे, हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम क्या कर लेंगे इसमें। मगर इस मुल्क में कोई बंदर वाला मसला है, अदरक ये गिरी मिल जाती तो इंसारी बन जाता, जरा सा चार किताबों का मुताला कर लिया मुझसे ही बन गया, और वो समझता है कि दीन का सबसे ज्यादा जानने वाला मैं ही हूं। इस जहन की मुझे इस्लाह करनी, इस जहन की इस्लाह करने के लिए सब बता रहा हूं, तो ये इतनी बारीक बातें हैं कि हमारे बस का नहीं है इन सबको समझना। इसलिए जिन बुजुर्गों ने ये मेहनतें की हैं उनकी बुजुर्गी तस्लीम करो, उनका फॉलो करो, उनके पीछे चलो, वरना तो कहीं खड गुमराह होकर किसी खड में जा गिरेंगे। इतनी बात पर आज खत्म करता हूं, आगे यार जिंदा स्वर्गत। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم يا إله العالمين ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمارے لیے نافع ہو دنیا میں بھی مفید ہو آخرت میں بھی مفید ہو اے میرے مولا ہم اس علم سے پناہ چاہتے ہیں جو ہمارے لیے کارآمد نہ ہو یا اللہ ہمیں ایسی زبان عطا فرما جو تیرے ذکر میں تر رہنے والی ہو اے میرے مولا ہمیں ایسے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو یا اللہ تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما نہ آزاد ربی کے فتنے سے آزاد ذہنی کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ تہذیب جدید کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما مال اور حسن و جمال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما اور اے میرے مولا دجال اکبر کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما مولا ہماری مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین